Hello students, in the last session we have done some practice sums of chapter number 6. Let's continue these sums, okay? I hope you all have done your homework. Now let's move to next question. Next question is, in the given figure find the values of x, y and z. Values of x, y and z. Now the figure is like this. Here it is A, B, C, D. This angle is 50 degrees. This is 110 degrees. This angle is y. Here it is x. This angle is 60 degrees. And this is z. X, y और z की values find out करें। अब first of all x, y, z में हमने पहले भी देखा था कि जैसे कोई भी एक triangle हमको देखना है कि जिसमें कोई भी एक ही angle हमको find out करना है। तो वो हम पहले से कर सकते हैं। जल्दी से वो हो जाए। जैसे ये triangle ABC। तो triangle ABC में हम देख सकते हैं कि उसमें क्या है? ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पर एक्स है, हियर द एंगल इज 50 डिग्रीज एंड हियर इट इज 110 डिग्रीज. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी सॉरी बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. वी ऑल नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी दैट इज एक्स. Angle ABC, ABC is 50 degrees and BCA is 110 degrees is equal to 180 degrees. X as it is 50 plus 110 that is 160 degrees is equal to 180. Now X find out the length. So X is equal to 180 minus 160. X is equal to 20 degrees. ओके तो x इजीली फाइंड आउट हो गया. अब y एंड z फाइंड आउट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है उसमें हम डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते बिकॉज द टू एंगल्स आर अननोन. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस लाइन दिस टू एंगल्स आर सेपरेटेड. हियर दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इट मीन्स इट इज अ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर जब भी होते हैं तब क्या होता है? दोनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है. सो हियर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लीनियर पेयर. ओके ए सी बी दैट इज 110 एंड ए सी डी वी वांट टू फाइंड इज इक्वल टू 180. 110 डिग्रीज प्लस एसीडी. एसीडी मतलब क्या है? y. y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. y इज इक्वल टू 180 माइनस 110. सो y इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. y मिल गया अब हमारे पास. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? z. तो z फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर से. सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? 60 डिग्री प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो 60 डिग्री प्लस y, y इज 70 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 180. 60 प्लस 70 इज 130 प्लस z इज इक्वल टू 180. 130 प्लस z इज इक्वल टू 180.
So z is equal to 180 degrees minus 130 degrees. Z is equal to 50 degrees. Okay, understood? कि z की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 50 degrees. तो इस तरह से हम x, y और z जो भी एंगल्स नहीं दिए हुए हैं वो एंगल्स के मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Now let's see the next question. Answer each of the following questions with a yes or no. Yes or no में आंसर देना है. Listen the questions very carefully. First is, can an isosceles triangle be a right angle triangle? Isosceles triangle जो है वो क्या right angle triangle बन सकता है या नहीं बन सकता? Isosceles का मतलब क्या है? दो sides equal. और दो sides equal उसके साथ साथ क्या होते हैं? दो angles भी equal होते हैं. अब समझ लो कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बना तो मतलब एक एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज है तो बाकी के दोनों एंगल्स क्या बनेंगे 45 45. इक्वली पॉसिबल है. यस, सो द आंसर इज यस. नेक्स्ट इज, कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी अ स्केलन ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल क्या स्केलन ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एनी वन एंगल विल बी 90 डिग्री. Scalene triangle means all the sides are different, all the angles are different. Scalene triangle वो possible है. All the sides are different, it is possible. Yes, all the angles can be different. Yes, can a right angle triangle be an equilateral triangle? Right angle triangle जो भी equilateral बन सकता है, so it is no. Why? Because a right angle triangle has one angle, a right angle. And equilateral triangle, it means all three sides are equal and all three angles are also equal. So here, it's not possible that all three angles are of 90 degrees. Yes? So by angle sum property of a triangle, it doesn't allow us. So this is not possible. So the answer is no. Next is, can an obtuse triangle be an isosceles triangle? Obtuse triangle जो है वो isosceles बन सकता है या नहीं बन सकता? एक obtuse रहेगा मतलब दो acute रहेंगे. Yes, तो दो acute angles same हो सकते हैं, isosceles बन सकते हैं. Okay, can a scalene triangle be a right angle triangle? Scalene triangle क्या कभी right angle triangle बनेगा? Scalene triangle it means all the angles are different and all the sides are different. Yes, so it's possible or not? Can a scalene triangle be a right angle triangle? Is it possible? Yes. Okay, now let's see the next question. Here you know the exterior angle property. Yes, exterior angle property hamari kya hoti hai? An exterior angle will be equal to the opposite, the sum of opposite interior angles. Okay, so using this property we will do some sums on the basis of this. First number. The figure is given like this. This is 30 degrees, this one is 80 degrees, and here the angle is given x. The name of this triangle is ABC and this is D. We need to find the value of x. X ki value find out karni hai. To kaise kar sakte? First of all, x is an exterior angle. एक्सटीरियर एंगल है तो उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, एडिशन के इक्वल होगा. सो एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी. यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिखा? तो वहां पर आपको स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड
exterior angle of a triangle is always 80 degrees plus 30 degrees. 80 plus 30 is 110 degrees. So x ki value 110 degrees. Here I am giving you some more sums for the practice. Here it is x, this is 30 degrees. This sums you need to solve in the homework. Here it is P, O, 100 degrees, here x, x, m, n, okay? A, B, C. This one is 30. Here it is X, Y, and here 75 degrees. Fifth. X, Y, Z, O. This angle is of 80 degrees. This is 30 degrees and this is x. So this four sums you need to solve in the homework. Okay? बहुत easy है exterior angle property use करके ही solve करना है. Okay? ये sums आप homework में.